राजधानी भोपाल में हुए एससीएसटी बिजनेस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान पर एमपी कांग्रेस ने उन्हें बधाई दी है। कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि सच बोलने के लिए कुलस्ते बधाई के पात्र हैं। सरकार जानती है कि बेरोजगारी ही आत्महत्या का कारण है, तो लाखों पदों का बैकलॉग क्यों है? भूपेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि प्रदेश के 1,64,00,000 बेरोजगार देश के श्रम पोर्टल पर मजदूरी के लिए पंजीकरण कर चुके हैं, ये भयावह स्थिति है। मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने यह तथ्य उजागर करके कि नौकरी न मिलने के कारण आज गरीब बच्चे आत्महत्या की कर रहे हैं, आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं, उन्होंने जो है सत्य की तरफ कदम बढ़ाया है, इसके लिए साधुवाद। लेकिन इन परिस्थितियों से लड़ने की उनकी सरकार की क्या तैयारी है? 18 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो नियम 30% सामान दलित आदिवासी बच्चों से, वंचित वर्ग के बच्चों से खरीदने का प्रावधान मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था, उसको कचरे की ढेरी में डालने वाली भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस सत्य को स्वीकार किया कि आज जो है देश के अंदर जो डिप्रेशन का वातावरण है, अवसाद का वातावरण है, जिसके कारण युवा बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, उसका कारण बेरोजगारी।